तो अब तक किसानों की एकता, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थन और शांतिपूर्ण आंदोलन को इस किसान आंदोलन की ताकत समझा गया था, लेकिन 26 जनवरी घटनाओं जिनमें विशेष रूप से लाल किले पर निशान साहिब और किसानों के हरे पीले झंडे को फहराने से लोगों में आंदोलन के अस्तित्व को लेकर बेहद जो संदेह है वो पैदा हो गए हैं और कई किसान संगठनों ने इस आंदोलन से दुख खुद को भी अलग कर दिया है और इसमें दुख प्रकट किया है। वहीं पिछले 2 महीने से सड़कों पर किसानों का जत्था दिल्ली की ओर जाते हुए देखा जाता था, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही नजर आई है, जहां पर आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर के साथ वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीर क्या कहती है, इस रिपोर्ट पर देखिए। हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर आज किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। ये जमावड़ा तो पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार बात अलग है। ये जमावड़ा उन किसानों का है जो दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे, उसी रफ्तार से अब किसान वापस लौट रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पंजाब वापस लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित किसान संगठनों के झंडे लगे वाहनों की कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली रोड पर देख रहे हैं कि काफी ट्रॉलियां वापस जा रही हैं और हमने अपने एसएचओ को, जैसे कि हरियाणा हाई अलर्ट है, उस हिसाब से एसएचओ को और अपने सुरक्षा जो अपने एजेंट हैं उनको सभी को सचेत किया हुआ है कि ये जाने वाले हैं, इस प्रकार की कोई हरकत ना कर नजर रखे। अगर इस प्रकार कोई हरकत करता है उसकी मूवी बनाई और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या टोल प्लाजा पर भी कोई ऐसा एक्शन देखने को मिला कि टोल प्लाजा को दोबारा शुरू किया जाए? अच्छा, कोई आदेश अभी चले हुआ है? अभी ये निकल जाए, जैसे इनकी ट्रॉली निकली है, इसके जो भी आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली से वापस पंजाब लौटने वाले किसानों में सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नहीं बल्कि निजी गाड़ियां और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। दिल्ली से लौटे इन किसानों की माने तो 26 जनवरी को कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली का माहौल खराब किया। उनका आरोप है कि इस पूरी घटना में सरकार के लोगों का भी हाथ है। कल का जो किसान आंदोलन था, आज इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हमारे जो किसान जथेबंदियाँ हैं, हर्ष भाई श्री गुरनाम सिंह चुड़ूनिया जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बार बार स्टेज से यही घोषणा करते रहे। ये कल मार्च शुरू होने से पहले भी 5 मिनट पहले उसने जो भाषण दिया उसमें यही था भी, जो दिल्ली पुलिस ने जो रोड मैप दिया है उसी पे चलना है, इसके बाहर नहीं जाना है, तो बिल्कुल शांति बना कर रखना है और उसी के तहत किसान इन्होंने जो काम किया वो जो काम था वही किया। लेकिन जो लाल किले की घटना है ये बीजेपी सरकार के द्वारा समर्थित है, ये उसी ने इस घटना को जान दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में 50% से ज़्यादा लोग, जो ज़्यादा वहाँ बीजेपी की संख्या है, वो रेपिस्ट हो सकते हैं, वो मर्डर हो सकते हैं, वो डकैत हो सकते हैं, तो इस आंदोलन में भी इसी किस्म के लोग उसने उसे घुसा दिए हैं। मैं दीप सूत्र की बात करता हूँ, अभी सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है, ये तो बीजेपी का खास आदमी है, नरेंद्र मोदी के साथ इसकी फोटो है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो है, फोटो आ रही हैं और मीडिया, सोशल मीडिया बार बार कह रहा है, हर मोदी मीडिया कह रहा है ये किसानों का आदमी है, सोशल मीडिया कह रहा है ये मोदी का आदमी है, तो वास्तव में ये मोदी ने जानबूझकर ये वहाँ भेजा है और जो कुछ कराया है सरकार की सहमति के साथ हुआ। वहाँ दिल्ली में हम गए, हमें कहीं भी पुलिस आंख में पाने को नहीं दिखाई दी, पुलिस को बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड थी पुलिस। पुलिस चाहती थी, सरकार चाहती थी कि वहाँ दंगा फसाद हो और ये आंदोलन जाट आंदोलन की तरह फेल हो जाए, लेकिन सरकार की चाल इसमें नहीं चलेगी। वहीं दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे किसानों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। ट्रैफिक का जाम ना लगे, जो दिल्ली से आने वाले किसान हैं वो सुख शांति से ठीक ठाक अपना पंजाब में जाएं।
सर कितने लोग तैनात आज किए गए हैं यहाँ? यहाँ बहुत बहुत लोग तैनात किए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई जाम ना लगे, और किसान आए हैं दिल्ली से आराम से शांति से अपना पंजाब वापस जाएं। किसानों की वापसी को क्या ये मान लिया जाए कि अब ये आंदोलन खत्म होने की राह पर है? उधर किसान यूनियन भी टूटते नजर आ रहे हैं। हालांकि वापस लौट रहे किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा, बिल का विरोध किसान हमेशा करेंगे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नू एक गल मननी पैनी है, और नेक्स्ट जिहड़ा प्रोग्राम आ 1 मार्च का संसद मार्च जिहड़ा संसद आ उनू घेरना। जे मोदी ने फैसला ना किया तो पता नहीं समा इदा का आवे। सानू आस आ ये जिहड़े किसान आ ये संसद में जाणगे, ये अपना मसला आपे हल करनगे। जे साडे चुने हुए नुमाइंदे साडी गल नहीं सुनते, जिहड़े साडे राइट आ जिहड़े 3 काले कानून उन्होंने पास किए आ, किसान नहीं चाहते, किसानों नूं नहीं चंगे लगते, तो फिर किसान अपने फैसले आप लैण। किसान भले ही आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हों, लेकिन वापसी की ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। पहले जहां पंजाब से आने वाले किसान यहां आकर लंगर छकते थे और नारेबाजी करते थे, तो आज ये किसान शांत और मायूस नजर आए। 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपद्रव की जो तस्वीरें देखने को मिली उनसे पूरा देश परेशान हुआ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस उपद्रव के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, केस दर्ज हुए, लेकिन अच्छा होता ये मंजर होता ही नहीं, इसे पहले ही रोक लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।